हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये जो है ये पटना डबल डेकर फ्लाई ओवर का है, या यूँ कहें कि पटना का पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर जो है, इसका रैंप ये सेकंड फ्लोर वाला है। ये यहाँ डाउन होगा इस साइड, और इस साइड पटना मेट्रो का वर्क चल रही है, जो बड़ी बड़ी क्रेनें और मशीनें देख रही हैं। तो देख रहे हैं तो इस साइड तो एंट्री नहीं है आम पब्लिक का, लेकिन इस साइड एंट्री है, तो मैं आपको इस साइड दिखाऊंगा। तो टोटल जो है कि 67 फ्लोरों वाला ये फ्लाई ओवर है। ऐसे अगर बात करूँ तो एक 1500 मीटर और एक 1800, मतलब एक जो है कि उससे 300 मीटर आगे तक का है फ्लाईओवर। तो देख सकते हैं आप कि रूफ टॉप का जो है कि ढलैया किया जा चुका है ये सेकंड फ्लोर वाले का, जो गाड़ियां ऊपर ऊपर चढ़कर कारगिल चौक जाके गिरेगी गांधी मैदान। और इस साइड जो है कि पटना का गंगा नदी है, इस साइड यहां से ज़्यादा नहीं, आपको 500 मीटर की दूरी पर होगी इस साइड। और ये देख सकते हैं आप कि ढलैया होकर ढलैया की प्रक्रिया पूरी तरीके से कम्प्लीट है। फर्स्ट फ्लोर वाला जो ऊपर पर दूसरे तल्ले का जो रहेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा वो आगे है, सामने है। यहाँ पे तो ये फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन आगे जाकर के ये अपर हो जाएगा। अच्छे से कि सारी पेड़ों पे जो भी है रैंप गिरेगा आगे में, तो पूरे तरीके से ढलैया किया हुआ है। और ये जो नीचे देख रहे हैं ये सर्विस लेन रहेगा, टू अप टू डाउन के लिए। इस साइड आपके लिए रहेगा गांधी मैदान से आप NIT जाएंगे तो। और ऐसे इस रोड को अशोक राजपथ कहते हैं, ये काफ़ी दूरी तक है। और इस साइड से जो है कि आगे जहाँ गिरेगी वहाँ से फिर रोड फ्यूचर में से कर्व होकर के इस साइड NIT घाट चली जाएगी, और फ्यूचर में हो सकता है कि गंगा पथ पर इसे जोड़ दिया जाए। इस साइड देखिए आप कि सेकंड फ्लोर का जो रैंप है जो गिरेगी, वो पूरी तरीके से ढलैया किया जा चुका है। यहाँ से सिर्फ काम बाकी है रैंप का, जो है यहाँ से ढलैया का काम बाकी है। इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ पर भी अभी सेंटरिंग का काम चल रहा है, और इस साइड तक यहाँ तक ढलैया पूरी तरीके से कम्प्लीट है, यानी यूँ कहें कि पियर नंबर 63 तक कम्प्लीट है। और ये कभी पाउस एरिया होता था, जगह नहीं रहती थी दो टोटो के लिए या इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए। आज देखिए कि 5 ट्रक आराम से गुजर जाएंगे, इतनी जगह हो गई। जो रैंप देख रहे हैं ये पहले तल्ले का रैंप है, ये पहला तल्ला जो है वो यहीं आके गिरेगा, और अब ये जो है कि ये पहले तल्ले से दूसरे तल्ले में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइट होते हुए फिर ऊपर ऊपर ये चली जाएगी, और सीधे जो है कि फिर कारगिल चौक पर जाके मिलेगी। यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बन रहा है, यहाँ यूँ कहें कि PMCH का जो रीडेवलपमेंट चल रहा था, इस साइड मल्टी लेवल पार्किंग चल रहा है काम। तो एक रैंप उस साइड भी गिरेगी, तो चलिए वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो करकट टाइप का देख रहे हैं, इसी के ऊपर जो है कि ढलैया की प्रक्रिया होती है। हालाँकि ये ज़्यादा मोटा नहीं है जो ये बिछा हुआ है, देखिए आप ये यही चीज़ है, हालाँकि उतना मोटा नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे किस तरीके से ढलैया होता है वो तो FPA गावर कंपनी बता सकते हैं, क्योंकि इसे जो कंस्ट्रक्ट करने वाली है वो गावर कंपनी है। यहाँ पे DNR 3, ये DNR 2 है, और देख सकते हैं आप कि लोहे का स्ट्रक्चर किस तरीके से रखा हुआ। तो फर्स्ट रैंप भी इन फ्यूचर गिरेगा। यहाँ पे क्रेन लगे हुए हैं, काम की प्रक्रिया चल रही है, गर्डर लॉन्च किया जा चुका है। जहाँ तक जो ऊपर वाला रैंप है वो गिरेगा, वहाँ तक की बात बोल रहा हूँ। अभी गर्डर बनाया जा रहा है, स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है इस पर रखने के लिए। तो देख सकते हैं आप क्रेन ला के लगे हुए हैं यहाँ पे बड़े बड़े, ये इस पे रखने की प्रक्रिया, एक पे तो कंप्लीट हो चुका है, एक पे और रखने की प्रक्रिया चलेगी, यानी DNR 2, फिर DNR 1 है, उसके बाद फिर 56, 55, 53, 54, 52 इस तरीके से चलेगी। तो इसका डिज़ाइन तभी आपको क्लियर पता चलेगा जब ये अच्छे तरीके से बन जाए, क्योंकि अभी भी इसके बनने में बहुत टाइम है। बहुत टाइम का मतलब एक साल का लगेगा, क्योंकि रैंप दो तो इस साइड में दिखाया आपको गिर रहा है, एक मल्टी पार्किंग के लिए मैं बताया था आपको, और ये ग्राउंड फ्लोर का जो ग्राउंड फ्लोर से होते हुए फर्स्ट फ्लोर तक जाएगी उसकी है। यहाँ पर भी ट्रक पे लोहे का स्ट्रक्चर लाकर रखा हुआ है, सजाया जाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। चलिए जैसे जैसे इसका अपडेट होगा मैं कंटिन्यू देता रहूँगा आपको। तो ये सब ओल्ड है, इसमें अपडेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, जो वर्क था वो उसी साइड था। चलिए अब मैं मल्टी पार्किंग था, वो एक झलक दिखाता हूँ आपको। ऐसे स्ट्रक्चर आपको पता चल रहा होगा कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर के ऊपर के लिए जो है कि स्ट्रक्चर बनाया जा चुका है, फिर ये एक लेवल में आ चुका है। यहाँ से अभी ऊपर में बहुत सारा काम बाकी है। इस साइड देखिए आपकी मल्टी लेवल पार्किंग का काम किस प्रक्रिया चल रही है, ये जो देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे PMCH का बिल्डिंग बन रहा है, और मल्टी लेवल पार्किंग भी इसी साइड बन रहा है। तो इधर से घिरा हुआ है, इसीलिए उतना क्लियर पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसका अपडेट चलेगा मैं दूंगा, बनेगा जब स्ट्रक्चर सामने आएगा तो बनेगा, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कंटिन्यू। और फिर यहाँ से जो है कि कोई खास वर्क नहीं है, अभी पियर का ही सिर्फ काम है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कारगिल चौक पर जहाँ पर काम चल रही है वहाँ क्या कंडीशन है। पर ये जो देख रहे हैं वाइट ऐसा बिल्डिंग, तो ये अंजुमन इस्लामिया है ये, और उसी के जस्ट बगल में ये जो क्रेन लगा हुआ देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर मेट्रो का वर्क चल रहा है, पटना मेट्रो का बोर्ड भी लगा हुआ है। और उस साइड जो देख रहे हैं आप बड़ी बड़ी क्रेन है और बिल्डिंग है जो देख रहे हैं बनता हुआ, तो ये PMCH को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। 5500 करोड़ की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट है। तो सोचिए बिहार में इतने सारे प्रोजेक्ट चल, और कॉस्ट की बात देखिए 55 जितना की कच्ची दरगाह बिद्दुपुर का कॉस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा ये कॉस्ट का, सोचिए कितनी शानदार होगी। इसका मैं अलग से अपडेट दूंगा PMCH का, कुछ लंबा वीडियो होगा। चलिए मैं इसका डबल डेकर का वर्क दिखा रहा हूँ आपको, पटना मेट्रो का तो कुछ झलक दिखाया ही आपको। मैं आपको क्रेन से काम होता हुआ दिख रहा होगा,
देखिए क्रेन से काम होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, मतलब अंदर में पायल वगैरह किसी तरह काम चल रहा होगा, तो ये क्रेन से जो है कि क्रेन से जो है कि वहाँ पे ढलैया की सामग्री से काम हो रहा है। यहाँ पे ट्रक जो लगे हुए हैं तो बड़ी हॉर्न बजाता है सब, साउंड को जितना भी कट कर दो फिर भी साउंड रह जाता है, खास करके मोबाइल के पास ही सब आके बजाते हैं। तो यहाँ पे भी काम चल रहा है पटना मेट्रो का। मैं आपको इस साइड से लेकर के आया, यानी PMCS साइड से, NIT साइड से। तो ये जो है ये सब्जी बाग का एरिया, तो इस साइड किसी तरह का काम नहीं हुआ, फिर डायरेक्ट कारगिल चौक के पास आपको काम मिलेगा, या फिर यूँ कहूँ कि गांधी मैदान के पास। तो चलिए वहाँ का कुछ स्टेटस दिखाता हूँ आपको, वर्क स्टेटस की क्या कंडीशन है वहाँ का। में भी देख सकते हैं आपकी पानी का छिड़काव हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क ज़्यादा चल रहा है, तो धूल मिट्टी ना उड़े जिसकी वजह से ये पानी का छिड़काव हो रहा है। तो इस तरह का पटना में अब वर्क चलता रहता है पानी का छिड़काव। देने के क्रम में मैं आ गया हूँ कारगिल चौक पास से। ये जो व्हाइट वाला देख रहे हैं आप, तो ये कारगिल चौक है, गांधी मैदान है, और यहाँ पे भी जो है कि पायल फाउंडेशन का काम हो चुका है, और यहाँ पे भी पेयर निकाला जा चुका है इस साइड, और इस साइड भी सीधे चलेगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस साइड कुछ स्टेटस। यहाँ पे ये स्टार्टिंग पेयर होगा, देखिए किस तरीके से छोटा वाला है, तो इस तरीके से फिर उठेगा, एक आगे में गिरेगा, तो यहाँ पे भी काम चल रहा है। और ये सेप वाला जो मैं दिखाया था आपको कि देखिए एक कमल के फूल की तरह, तो ये सेप वाला इस साइड अभी काम नहीं चला है, क्योंकि जैसे चलेगा मैं अपडेट दूंगा। यहाँ पे भी रिग मशीन लगी हुई है, आगे में पाइलिंग का काम चल रहा है। तो इस साइड भी रोड की अगर बात करूँ तो इसे लगभग 5 मीटर चौड़ा किया गया, यहाँ पे भी रिग मशीन से काम चल रहा। तो यही एक अपडेट था छोटा सा, फिर मैं किसी और पार्ट में किसी और अपडेट के साथ मिलूंगा। कारगिल चौक का भी अपडेट दिया, तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, मेरी मेहनत, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।